नेटफ्लिक्स की मर्डर मिस्ट्री फिल्म द वीकेंड अवे सबसे अच्छे दोस्त बेथ और केट की कहानी है, जो क्रोएशिया में वीकेंड सेलिब्रेट करती हैं। केट के अप्रोच करने पर वे दोनों एक रात के लिए डिस्को बार में जाते हैं, जहां दो आदमी उन पर हमला करते हैं। एक रात के बाद बेथ जागती है और महसूस करती है कि केट गायब हो गई है। जैसे ही वह अपने दोस्त का पता लगाने की कोशिश करती है, बेथ को एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे मिलते हैं जो उसके पर्सनल लाइफ को बदल देते हैं। बेथ और केट क्रोएशिया में मिलते हैं क्योंकि वे एक साथ वीकेंड की छुट्टी स्टार्ट करती हैं। केट ने बेथ से रोब के साथ उसके शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में पूछा, जब बेथ को पता चला कि बेथ की सेक्स लाइफ सही नहीं है। केट की जिद के कारण बेथ और केट एक डिस्को बार जाते हैं, जहां दो हैंडसम मैन के साथ टाइम स्पेंड करती हैं और उन्हें अपने प्लेस पर इनवाइट करते हैं। अगली सुबह बेथ पिछली रात की धुंधली याद के साथ उठती है और उसे पता चलता है कि केट गायब हो गई है। वह केट का पता लगाने में मदद करने के लिए सीरियाई टैक्सी ड्राइवर जैन को बुलाती है। बेथ और जैन माटियो और लुका का पता लगाते हैं। दो बॉडीगार्ड जो बेथ और केट के साथ थे, उन्हें लगता है कि वे केट के मिसिंग होने में शामिल हैं। हालांकि उनमें से एक ने कबूल किया कि वे नहीं हैं। बेथ गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास जाती है। इस बीच रॉब बेथ की सहायता के लिए क्रोएशिया पहुंचता है। उन्हें तुरंत ही इन्फॉर्म किया गया कि केट मर चुकी है। पुलिस ने कंफर्म की है कि यह एक हत्या है। बेथ केट का फोन खोलती है और केट और रॉब के बीच के मैसेज को पढ़ती है। उसे पता चलता है कि रॉब का केट के साथ अफेयर था। पुलिस को सेबेस्टियन से अफेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है और केट की हत्या के शक में बेथ को अरेस्ट कर लिया जाता है। सबूतों की कमी के कारण बेथ पुलिस कस्टडी से छूट जाती है। वापस अपने रूम में उसे पता चला कि सेबेस्टियन ने हर रूम में एक छिपा हुआ कैमरा लगा रखा है। वह उसके कंप्यूटर रूम में घुसती है और केट के लापता होने वाले दिन के वीडियो देखती है। बेथ को पता चलता है कि माटियो और लुका सिर्फ चोर हैं, लेकिन उसकी नज़र एक टैक्सी कार पर पड़ती है जिसे केट ने रात को किराए पर लिया था। वह टैक्सी ड्राइवर से बात करने के लिए जैन से मिलती है, जो उन्हें बताया है कि उसने केट को पुलिस स्टेशन छोड़ा था। केट को किसने मारा और क्यों? जब बेथ को पता चलता है कि केट की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखी नहीं गई थी, तो उसकी शुरुआती मिसिंग की कंप्लेंट की तरह वह पैविक पर हत्यारा होने का शक करने लगती है। बेथ ने पैविक की कार की नंबर प्लेट देखकर अपने शक की कंफर्म की, जो सेबेस्टियन के वीडियो में देखी गई प्लेट से मेल खाती है। जबकि कोवैच और पैविक बेथ और जैन को अरेस्ट करने के लिए उनका पीछा करते हैं, जैन कोवैच को अश्योर करता है कि पैविक हत्या में शामिल है और जब तक कोवैच मदद कर पाता, पैविक एक पत्थर पर गिर जाता है और गिरकर मर जाता है। इस बीच बेथ लंदन लौट आती है और रॉब से अलग रहने लगती है। एक दिन जब वह एस्टर को अपने पिता के पास छोड़ती है, बेथ को रॉब की जैकेट की जेब में उस नेकलेस का एक मोती मिलता है जो उसने केट को गिफ्ट में दिया था। उसे पता चलता है कि हत्यारा पैविक नहीं बल्कि रॉब है। जब बेथ केट के साथ टाइम स्पेंड के लिए क्रोएशिया जाती है, तो रॉब को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि क्या केट बेथ को अपने अफेयर के बारे में बताएगी। जब केट पुलिस स्टेशन से लौटती है, तो पैविक की आगे बढ़न को डिसमिस्ड करने के बाद उसका सामना रॉब से होता है। वह उससे बार बार पूछता है कि क्या उसने बेथ को अपने अफेयर के बारे में पहले ही बता दिया है। जब उसे पता चलता है कि उसने ऐसा नहीं किया है, तो रॉब उससे कहता है कि तुम अपनी दोस्त को सब कुछ बताकर उसका जीवन बर्बाद न करो। रॉब और केट के तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है जब केट उससे कहती है कि वह उससे सब सच बताने वाली है, जिससे रॉब का गुस्सा भड़क गया। रॉब केट को मारता है और वह पत्थरों पर गिर जाती है, जिससे उसका सिर फट जाता है। केट पानी में लुढ़क जाती है और डूब जाती है, जिससे अंततः उसकी मौत हो जाती है। भले ही रॉब का केट को मारने का इरादा नहीं था, लेकिन उसके ऐसी काम के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये सोचकर कि केट मर गई है, रॉब तट छोड़ देता है। हालांकि केट जीवित थी जब वह पानी में गिर गई और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। रॉब की यह गलतफहमी कि केट की सिर पीट पीट कर मृत्यु हो गई, उसे डूबने से बचाने से रोकती है। क्या केट को रॉब से प्यार था? नहीं, केट को रॉब से प्यार नहीं था। जब रॉब को पता चलता है कि बेथ को पता है कि केट की मौत के पीछे वही है, तो वह कबूल करना शुरू कर देता है। क्योंकि वह बेथ के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा है, उसे एहसास होता है कि वह सच नहीं बता सकता। इस प्रकार वह एक झूठ बोलता है। केट ने उसे बेथ छोड़ने के लिए मजबूर किया और लड़ाई तब शुरू हुई जब उसने केट को क्लियर कर दिया कि वह अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। हालांकि रॉब ही वह व्यक्ति है जो केट के साथ रहने के लिए बेथ के साथ अपनी शादी को खत्म करना चाहता था। केट की मौत की रात उसने रॉब को यह पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक पलटवार था और उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। केट का ये कहना कि उसे उससे कोई मतलब नहीं है, रॉब को हर्ट होता है। वह केट और बेथ दोनों को खोने से डर जाता है और उससे कहता है कि वह बेथ को कुछ भी न बताए ताकि उसकी शादी बरकरार रहे, भले ही वह उसे न चाहे। सच्चाई बताने के बजाय रॉब झूठ बोलकर बेथ को धोखा देने की कोशिश करता है कि केट उसे चाहती थी और उसने बेथ की खातिर उसका झगड़ा किया।
भले ही रॉब अपने झूठ को प्रूव करने की कोशिश करता है, बेथ को एहसास होता है कि अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आती है तो वह उससे दूर चली जाती है। क्या बेथ और जैन का अंत एक साथ होता है? जब केट गायब हो जाती है, जैन कमजोर बेथ को अपना सपोर्ट देता है। केट के मिसिंग होने की सच्चाई जानने के लिए वह उसका साथी बन जाता है। जब बेथ को पता चलता है कि केट की मृत्यु हो गई है और उसके पति का उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ अफेयर है, तो वह परेशान हो जाती है। फिर भी जैन उसकी मदद के लिए उसके पास खड़ा रहता है। केट के हत्यारे के बारे में पता लगाने के लिए वह बेथ के लिए अपनी जान को रिस्क में डालता है। किसी भी चीज से अधिक, जैन उसे किसी भी चीज के बजाय अपने दिल और मन की बात सुनने को कहता है। जब पुलिस केट का मामला बंद कर देती है तो बेथ क्रोएशिया छोड़ देती है, लेकिन जैन का जीवन नहीं। रॉब के साथ एस्टर को छोड़ने से ठीक पहले बेथ को जैन से एक मैसेज मिलता है जो उसे बताया है कि वह उसे जल्द ही मिलेगा, कि वे एक दूसरे को मौका दे रहे हैं। जैन का टेक्स्ट बेथ के चेहरे को वैसे ही रोशन करता है जैसे उसकी प्रेजेंस और साथ उसके जीवन को रोशन करते हैं। जैसे ही वह अंततः रॉब के साथ अपने रिश्ते को खत्म करती है, बेथ अपने आगे के जीवन के लिए चौराहे पर आ जाती है और हो सकता है कि उसने वह रास्ता चुना हो जो उसे जैन तक ले जाता है। उसकी दया और ईमानदारी उसे रॉब के साथ उसके रिश्ते के दुखद अंत से उबरने में मदद कर सकती है। जैसे ही बेथ अपने लाइफ के एक न्यू फेज में कदम रखती है, उनकी मेल उन्हें एक अकी रिलेशनशिप को बनाने के लिए इंस्पायर कर सकती है।